जय हिंद एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में होने वाला है कि असम राइफल 2022 का न्यू वैकेंसी आ चुका है, जो कि 2300 सॉरी 1380 पोस्टों के लिए है। ठीक है, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कौन इसके फॉर्म भर सकते हैं, कितना इसका जो है फिजिकल फिटनेस जो है, लंबाई इसमें कितना है, चेस्ट कितना है, कितना इसके इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है, और किस किस के लिए आप अप्लाई कर सकते। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, A to Z जानकारी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, असम राइफल रिक्वायरमेंट्स 2022 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 1380 टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन पोस्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं असम राइफल, ये इतना तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं, वो तो हमको भी पता है, इसलिए हम भी नहीं पढ़ेंगे। और ये सीधा सीधा हम आपको बताते हैं कि ये ग्रुप B और ग्रुप C के लिए है पोस्ट। ठीक है, तो हम सीधा नीचे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं असम राइफल रिक्वायरमेंट 2022 नोटिफिकेशन। अब यहाँ से सीधा नीचे आपको लेके चलते हैं, सारा चीज़ आपको बताते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन करने में क्या चीज़, ऑफिस ऑफ द डायरेक्शन डायरेक्टेड जनरल असम राइफल, यानी जो पोस्ट है वो ग्रुप B और ग्रुप C के लिए। देखिए ग्रुप B एंड ग्रुप C टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के लिए। ठीक, ये जो वैकेंसी टोटल कितना है, 1380। ये जो अप्लाई मोड है, मतलब फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन नहीं भरा जा सकता है। और ऑनलाइन इसका प्रोसेस है जो कि 6 जून से स्टार्ट हो चुका है, मतलब आज ही से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का वीडियो आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ आपको बताने वाले हैं, इसमें बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है, तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं इसमें सिर्फ आपका जानकारी कवर करूंगा, ताकि आप किसी भी चीज़ को लेकर के आपको शंका ना रहे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखा गया है 10 और 12th पास। ठीक है, 10 और 12th पास रखा गया है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर ले तो पहले आपका होगा रिटेन टेस्ट, यानी PST और या तो PET, दोनों में सबको भी आप बोल सकते हैं। फिर दूसरा है रिटेन टेस्ट, फिर तीसरा स्किल टेस्ट, फिर चौथा है मेडिकल टेस्ट, फिर पाँचवा फाइनल आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, फिर आपका जॉब लग जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं नीचे में इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। ठीक है, तो असम राइफल रिक्वायरमेंट तो देख ही लिया आपने। असम राइफल नोटिफिकेशन 13 तारीख को इसका जो है नोटिफिकेशन आया था, और अप्लाई होगा 6 तारीख से, मतलब आज से लास्ट डेट इसका है 20 जुलाई तक। ठीक है, यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है। और इसका जो एडमिट कार्ड आएगा वो आएगा अगस्त के महीने में। ठीक, अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक या थर्ड वीक में आ जाएगा, ऐसे तो मेरा हिसाब से सेकेंड वीक में आ जाता है। ठीक है, और असम राइफल रिटर्न टेस्ट इसका जो स्टार्ट होगा वो 1 सितंबर से भाई स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी अगस्त में आपका एडमिट कार्ड आएगा और 1 सितंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा फिजिकल। ठीक, तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा दौड़ के, क्योंकि इसमें 5 किलोमीटर का रनिंग होता है। अब यहाँ पे हम वैकेंसी वाइज की बात करने तो असम राइफल वैकेंसी 2022। ठीक है, ग्रुप B और ग्रुप C के लिए जो टोटल कितना है, 1380 पोस्ट। तो पहले यहाँ पे निकल के आता है ब्रिज एंड रोड, जो कि मेल फीमेल दोनों के लिए, इसमें 17 पोस्ट है मात्र। ठीक है, और फिर दूसरा आता है क्लर्क के लिए, ये भी मेल फीमेल दोनों भर सकता है, इसमें 287 पोस्ट। ठीक है, तीसरा यहाँ पे आता है रिलीजियस टीचर, इसमें 9 पोस्ट है। और चौथा आता है ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, जिसमें 729 पोस्ट, यानी 729 पोस्ट है। फिर आता है रेडियो मैकेनिक्स, जो कि रेडियो मतलब वॉकी टॉकी ये सब हो गया, वो सारा कुछ हम बताएंगे आपको दूसरे वीडियो में। इसमें कितना है, 72 पोस्ट है। और आर्मोर के लिए कितना है, तो 48 है। और लैब असिस्टेंट के लिए कितना है, तो 13 है। और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए कितना है, तो 100 है, यानी 100 है। वेटनरी फील्ड असिस्टेंट के लिए 10 है, और पैरामेडिकल के लिए 15, और वाशरमैन के लिए 80 है। तो टोटल मिला के यहाँ पे होगा कितना है, 1380 पोस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, 1380 पोस्ट। अब हम नीचे लेके चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम अप्लीकेशन फ़ी के बारे में कह लेते हैं, तो ग्रुप B के लिए 200 रुपये लगेगा। ठीक है, और ग्रुप C के लिए 100 रुपीज़। यहाँ पे हम इस वीडियो में मैं आपको साफ एकदम पूरा क्लियर बता रहा हूँ, ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, फिर नीचे चलते हैं स्टेप बाई, ये अप्लाई फॉर असम राइफल रिक्वायरमेंट, ये तो अप्लाई करने का तरीका वो तो हम आपको वीडियो में बता ही देंगे वीडियो बना के। तो नीचे आते हैं, यहाँ पे हम आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, ये आपको सिर्फ ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि आप जब फॉर्म भरिएगा तो ये आपको ध्यान से देखना है। तो पहला पोस्ट आ गया ब्रिज एंड रोड, जो कि मेल फीमेल दोनों के लिए, इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10th पास प्लस डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर ब्रिज, मतलब इसके लिए आपको 10 प्लस और डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर से। इसका एज लिमिट है 18 से 23। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है क्लर्क के लिए, जो कि मेल फीमेल भर सकता है, उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो 12th पास प्लस
इंग्लिश टाइपिंग 35 का होना चाहिए, मतलब कि इसमें इंटर आप पास होना चाहिए, और अगर जो आप इंग्लिश में टाइपिंग करते तो आपका 35 का स्पीड होना चाहिए, और हिंदी में करते तो आपका 30 का स्पीड होना चाहिए। ठीक। तीसरा है रिलीजियस टीचर। रिलीजियस टीचर में आपको क्या चाहिए, तो ग्रेजुएशन विथ रिलेटेड सब्जेक्ट, इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए, और इसका एज कितना, 18 से 25 है। ठीक है। और फिर चौथा क्या है, तो ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, इसमें क्या है, तो 10th पास प्लस ITI इन रिलेटेड फील्ड, और 12th पास विथ नॉन मेडिकल, मतलब इसमें आपका आपका जो है दो ऑप्शन है। देखिए, या तो आप 10th पास प्लस ITI है तो भी भर सकते हैं आप इसको, और या तो आप 12th पास है नॉन मेडिकल से, मतलब PCM आपका होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो भी आप इसको भर सकते हैं। इसका एज लिमिट कितना, 18 से 25। एज लिमिट लगभग सबका सेम ही है, और अनमोल के लिए यहाँ पे 10th पास रखा गया जो कि एज लिमिट 18 से 25, लैब असिस्टेंट के लिए 10वां पास है देख सकते हैं जो कि 18 से 25, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 10वां पास 18 से 23, और वेटनरी असिस्टेंट के लिए 12th पास प्लस डिप्लोमा इन वेटनरी साइंस। ठीक है, तो ये होना चाहिए आपको वेटनरी फील्ड असिस्टेंट के लिए 12th पास यानी इंटर पास प्लस डिप्लोमा, लेकिन डिप्लोमा कैसा होना चाहिए, वेटनरी साइंस से 18 से 25 है इसका एज लिमिट देख सकते हैं यहाँ पे। फिर है पारामेडिकल। पैरामेडिकल के लिए भी रखा गया 10th पास ओनली 4, और 18 से 23 है इसका एज लिमिट। फिर है वाशरमैन। वाशरमैन के लिए भी 10th पास रखा गया जो कि 18 से 25 है इसका भी। ठीक है, देख सकते हैं। अब हम नीचे चलते हैं आपको लेके, नीचे और क्या है, तो एज रिलैक्सेशन की हम बात करें, किसको किसको यहाँ पे एज में छूट मिलेगा, तो पहले SC ST को मिलेगा 5 साल का छूट, और OBC को मिलेगा 3 साल, जो कि लगभग सभी सरकारी जॉब में इतना रहता ही रहता है, SC ST के लिए 5 और OBC के लिए 3। और सर्विंग असम राइफल पर्सनल पर्सनल जनरल OBC अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं, एक सर्विसमैन जनरल के लिए 3 ईयर्स, और OBC के लिए 6 ईयर्स, और ये SC ST के लिए 8 ईयर्स। ठीक है, इतना आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक, ऐसे ये नोटिफिकेशन आपको लिंक हमको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो मेरे टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसका लिंक। ठीक है, अब नीचे हम आते हैं, तो असम राइफल रिक्वायरमेंट के बाद सिलेक्शन प्रोसेस, पहले हम आपको बोले कि फिजिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद रिटर्न एग्जाम होगा, फिर उसके बाद ट्रेड स्किल होगा, फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आ जाता है मेन, फिजिकल का स्टैंडर्ड क्या क्या इसमें चाहिए। तो देखिए, पहला यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड थोड़ा ऊपर अप कर लेते हैं। पहला क्या है, PST 4 नैब सूबेदार वारंट ऑफिसर यानी कि वेटनरी फील्ड असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक और ऑपरेटर एंड लाइन के लिए आपका जो लंबाई है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपका जो चेस्ट है वो नॉर्मल होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, आप 5 सेंटीमीटर यानी फुलाना होगा, यानी कि फुला के आपको 80-85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, और ये कुछ अलग अलग एरिया के लिए दिया, जैसे गरवालीज, कुमराज, गोरखाज, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके लिए दिया हुआ 165 सेंटीमीटर, और इसमें चेस्ट दिया हुआ 78, और फुला के 83, यानी 5 आपको फुलाना है। ठीक, और मिनिमम हाइट ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू ST SC ST के लिए, जो कि ST के लिए 162 सेंटीमीटर लंबाई रखा गया, 76, और फुला के 81। ठीक, बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो साइड में बना रहा हूँ ना, नीचे में मतलब गाड़ी बाइक वगैरह जाता है। और अब यहाँ पे हम बात कर ले ब्रिज एंड रोड के लिए क्या क्या PST हो जाए फिजिकल, तो 170 सेंटीमीटर आपको चाहिए नॉर्मली, और फीमेल के लिए चाहिए 155, और चेस्ट चाहिए 80, और फुला के चाहिए 85। ठीक, यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, और जो ऊपर बताया ये सब अलग अलग एरिया के लिए 165 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 155, और नॉर्मल 78, और 5 फुला के 83 होना चाहिए, और ST के लिए जो है 162 पॉइंट यानी कि 162.5, और 150 सेंटीमीटर होना चाहिए फीमेल के लिए, और 76 और 81, अब तो जान भी करते हैं इतना। नीचे हम जाते थोड़ा सा, अब ये है कलर के लिए, कलर में आपका 165 मांग रहा है, हाइट के लिए फीमेल के लिए 155, और 77 और 5 182 चाहिए आपको, और अलग अलग एरिया के लिए जैसे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के लिए चाहिए 162.5, और फीमेल के लिए चाहिए 155 ए सॉरी 150 सेंटीमीटर, 77 चाहिए चेस्ट, और 5 चाहिए फुला करके 82। ठीक, और ST के लिए हम बात करें तो 162.5 दोनों का सेम ही लंबाई है, और 150, मतलब इतना इधर सब सेम ही है, इससे तो नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएगा, और इसमें
फुलाना आपको 76.5 81, मतलब इसमें 77 चाहिए नॉर्मल और इसमें 76.5 फुला करके आपको, ठीक। और अब हम बात करते हैं पारा मेडिकल के लिए, तो इसमें 157 सेंटीमीटर चाहिए आपको नॉर्मली, ठीक है। और ये जो अलग अलग एरियाज के लिए 155 सेंटीमीटर है, ये जो अरुणाचल प्रदेश मतलब उधर से जो बिलोंग करते हैं, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए चाहिए 150 सेंटीमीटर, और इधर है मेघालय मणिपुर अरुणाचल प्रदेश नागालैंड जो कि 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इधर नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा एंड लेफ्ट वार्मिंग एक्सट्रीमिशन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट 147.5 चाहिए इसमें मिनिमम हाइट कम से कम। अब हम बात कर लेते हैं असम राइफल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होगा कि ऑल इंडिया एक्सपेक्टेड लद्दाख रीजन, ठीक है। इसमें मेल के लिए होगा 5 किलोमीटर का रनिंग जो कि 24 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और फीमेल के लिए होगा 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर का रनिंग होगा, 8.5 मिनट टाइम दिया जाएगा फीमेल को नहीं लड़की लोग को, ठीक। और लद्दाख रीजन के लिए मात्र 1.6 किलोमीटर मेल के लिए, और फीमेल के लिए 800 मीटर, और मेल के लिए होगा 6.5 मिनट का टाइम और फीमेल के लिए 4 मिनट का टाइम, ठीक है। आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न का, तो एग्जाम पैटर्न में इंग्लिश लैंग्वेज आपका आएगा 25 क्वेश्चन, टोटल आपका 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का रहेगा, और 2 घंटा का आपका टाइम मिलेगा, 120 मिनट का देख सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए 25 आएगा 25 मार्क्स का, रीजनिंग के लिए आएगा 25 का 25, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा 25 में 25, और जनरल एवरेज आएगा 25 में 25, टोटल होगा 100 में 100 यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर, उसमें से आपको 35 कम से कम लाना है, ठीक है। 35% और ओबीसी के लिए 40%, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगर जो आपको कोई भी डाउट रह गया तो इसका जो है इस PDF का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके आप अपना क्षेत्र या रीजन को, आपको अगर जो कोई भी डाउट है तो आप वहां से देख करके आप आराम से अपना शंका दूर कर सकते हैं। और कैसे आपको अप्लाई करना है इस फॉर्म को हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं खुद अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आज के वीडियो को यहीं तक खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।